नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में, जहां पर राम सिंह नेताजी के द्वारा लगातार प्रचार चल रहा है। और दिल्ली में इस बार सिर्फ दो दिन रह गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कड़ी टकराव होने जा रही है। देखा जाए तो राम सिंह नेताजी की तरफ बहुत से लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार रामवीर सिंह भिदुड़ी कभी सपना चौधरी को ला रहे हैं, कभी नितिन गडकरी को ला रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं। लेकिन देखा जाए इस वक्त सर्वे में आम आदमी पार्टी की लहर है, और जितना भी हो सके आम आदमी पार्टी इस वक्त जीत रही है पूर्ण बहुमत से। जितने भी लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से लोग खुश हैं और ज्यादा अपना काम कर रहे हैं, और जानेंगे लोगों से कि क्या कहना है लोगों का, क्या लग रहा है कौन जीतेगा। इस बार पूर्ण बहुमत केजरीवाल जी के साथ है। यही नहीं, पूरी दिल्ली में यह लहर चल चुकी है कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं उनको देखते हुए पूरी दिल्ली 70 की 70 सीटें इस समय दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं। मेरा नाम जाबिर हुसैन है। यहाँ से राम सिंह नेताजी अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे, और पूरी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जब कुछ भी कर ले कोई भी, मतलब जीतेंगे केजरीवाल जी, यहाँ से मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और यहाँ से राम सिंह नेताजी सबकी जमानत जब्त कर देंगे। यहाँ कोई नहीं जीत पाएगा राम सिंह नेताजी के सामने, सबकी जमानत जब्त होगी यहाँ पे। क्या लग रहा है अपनी बदरपुर विधानसभा में? तो झाड़ू ही है चारों तरफ, और मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिल्ली के अंदर जो मेरा दावा है 70 से 70 सीटें आनी है अपनी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में झाड़ू का शोर है। पूरी हमारी विधानसभा में चौधरी राम सिंह नेता के अलावा और कोई ऐसा नेता नहीं है। नेताजी को क्यों चाह रहे हो? नेताजी को इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारे नेताजी केजरीवाल से कुछ मिलते हुए जुलते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो शुरू से जो करा है अपने अपने विधानसभा के अंदर, सबसे ज्यादा उन्होंने सेवा करी है, जरूरत से ज्यादा सेवा की है नेताजी। पूरी विधानसभा के आवाम ने आवाज उठाया है कि नेताजी 70,000 वोटों से लीड करने जा रहे हैं। नेताजी बदरपुर विधानसभा के दिलों पे राज करते हैं। आज से नहीं, हम लोग बच्चे थे जब से हम देख रहे हैं कि नेताजी जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, जमीनी लेवल के नेता हैं, और लोगों के जो बदरपुर विधानसभा की जो आवाम है उनके दिलों में बसते हैं। और नेताजी इस बार 70,000+ वोटों से जीतने जा रहे हैं। राम सिंह नेताजी को जिताना चाह रहे हैं, लोग उनके समर्थन में उमड़ रहे हैं, क्या कहना? ये सारा समर्थन जो जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं सब नेताजी के लिए ही खड़े हुए हैं, और पूरी बदरपुर की विधानसभा जनता इस बार मन बना चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ नेताजी को लाना है, और ये देखना है कि कितने वोटों से इस बार उन्हें जिताएंगे। चाहे 1,000 लकड़ बकर जुड़ जाए, शेर का शिकार नहीं कर सकते, शेर अकेला ही काफी है। तो हमारे केजरीवाल जी और नेताजी दोनों शेर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने भी जुड़ जाएंगे। क्या कहना है 8 तारीख के लिए? 8 तारीख को जनता अपना मन बना चुकी है, जैसे मैंने पहले बोला है, सारी वोटें नेताजी की तरफ जा रही है, झाड़ू की तरफ जा रही है। हम विजय रथ लेके निकल चुके हैं, और 11 तारीख को आप लोग जनता को जवाब दे देगी सारे विपक्षियों को। 8 तारीख की अपील यही रहेगी कि आने वाले 8 तारीख है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग झाड़ू पर बटन दबाएं और राम सिंह नेताजी को सफल बनाए। इतने मंत्री फेल हो गए, सैकड़ों नेता फेल हो गए, योगी आ गए, अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, जब इनसे कुछ नहीं हो पाया तो ये सपना चौधरी क्या कर लेगी? सपना चौधरी आने दो, लोगों का मनोरंजन होगा, देखने दो, देखने में क्या दिक्कत है? चुनाव का दौरान, चुनाव का समय है, लोग तनाव में है, सपना चौधरी आएगी, लोगों का मनोरंजन हो जाएगा। वोट तो लोगों को डालना है, नेताजी के नाम पर ही डालने। आज आप देख रहे हैं जैसे सपना चौधरी का रोड शो है, तो नाचने गाने वाला तो नाचने गाने के लिए अच्छा रहता है, नाचने गाने वाला नाचने गाने तक सीमित रहता है। अब सारी फिल्म दुनिया को तुम यहाँ चुनाव प्रचार में, एक विधानसभा के चुनाव प्रचार में आप सारे नाचने गाने वाले को ले आओ, ये क्या तरीका है? क्या लग रहा है भाई साहब कि किस तरह से रामवीर नेताजी के सपोर्ट में जो दुनिया आ रही है, लोग आ रहे हैं उनको जिताने के लिए? एक तरफ रामवीर सिंह भिदुड़ी जिन्होंने जनता का बर्बाद कर दिया, जनता कह रही है उनको विधायक नहीं बनाना, फिर भी कहते हैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं चुनाव लड़ूंगा। जवा का काम है झूठ बोलने का, झूठिया पक्को नंबर एक को, अब तुम हमारे विधायक की ओर बात नहीं होगी। मेरा नेता तो नेता ही हीरो है, इस क्षेत्र में जो काम करवाया वो नेता ने करवाया, और कोई नहीं, नेता जीतेंगे। कौन जीतेगा? राम सिंह नेताजी, वो हमारे स्थानीय नेता है, हमारे क्षेत्र से, इसलिए हम नेताजी को जिताएंगे। राम सिंह नेता जिंदाबाद। कौन जीतेगा? राम सिंह नेताजी। राम सिंह नेताजी। राम सिंह नेताजी, नो डाउट। राम सिंह नेताजी। केजरीवाल। हाँ, नेताजी जीतेंगे।
100% श्योर है नेताजी जीतेंगे। कैसे? नेताजी ने, केजरीवाल जी ने जो हम सबके लिए किया है, आम लोगों के लिए किया है, जो हमारे लेवल के लोग हैं, वो बहुत कुछ है, आज तक कभी नहीं हुआ था। और इसमें शक की क्या और आते हैं जीतेंगे वैसे भी। हाँ जी, राम सिंह नेताजी ही जीतेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत बहुत बढ़िया काम किए हैं। सब बुजुर्गों के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा करवाई है, बिल पानी का बिल फ्री, बिजली का बिल फ्री, और जो है लेडीजों के लिए बहुत सी सुविधाएं, स्कूल खुलवाए हैं, जगह जगह अस्पताल खुलवाए हैं, कैमरे लगवाए हैं, बस फ्री करवाई है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया जो केजरीवाल जी ने किया है। क्या पता आगे और उससे डबल कर सके ये जीतने के बाद। और हमारा वोट बदल दे दुनिया, केजरीवाल, हमारा वोट केजरीवाल, केजरीवाल जी जीतेंगे, आम आदमी झाड़ू पार्टी। क्या लग रहा है जी, कौन जीतेगा? केजरीवाल। और नेताजी? राम सिंह नेता। राम सिंह नेता जी वो नेता हमेशा के रहे, हमेशा रहेंगे।